हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस फॉर आईटीजेई नीट एंड बोर्ड। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 4 है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ क्लासेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 8 तरह के क्लासेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसमें से पहला हमारा क्लास होता है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या। हाइड्रोकार्बन हमारे उस क्या उसको कहते हैं जिसमें हमारे एक हमारा कार्बन का एटम हो, ठीक है ना, और एक हमारा हाइड्रोजन का एटम हो। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एक हमारा क्या हो, कार्बन भी हो और हमारा हाइड्रोजन भी हो। तो ऐसे वाले कंपाउंड को, ये ऐसे वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक, ऐसे वाले कंपाउंड ना क्या बोले, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होती है हमारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरी हमारी होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एक ही टाइप है एल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो तरह के टाइप होते हैं। एक होते हैं एल्कीन्स, एक होते हैं एल्काइन्स, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हमारी मतलब वो है एल्कीन, ठीक है। और एल्किन क्या होती है, हमारे कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल ही बॉन्ड हो, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच केवल एक ही सिंगल बॉन्ड हो, ना कि कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, केवल एक ही सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। ऐसे वाले हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये कौन सा टाइप है, एल्केन वाला, ठीक है। एल्केन की एक जनरल फॉर्मूला है हमारे हाइड्रोकार्बन, मतलब कि यहाँ पर लिखा है ना हमने CHHY, तो इस ना तो इसको लिखने के लिए कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये वाला हाइड्रोकार्बन हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक इसकी जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है, CN कार्बन, फिर N, ठीक है, फिर H2N+2, ठीक है ना। यह पर ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है। और यहाँ एन जो हम लिख रहे हैं ना, सी एन, ये एन, फिर यहाँ पर एन, ये एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कितने कार्बन एटम हमारे पास मौजूद है उसको दर्शाता है, ठीक है, एन। और इसकी सफिक्स क्या होती है, ए एन ई, एन होती है सफिक्स। क्या इसकी सफिक्स हमारी एन होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एल्किन वाली की, ठीक है। और इस सफिक्स के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस की हुई है, ठीक है। हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, बात हमने कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारा टू टाइप होता है। एक होता है हमारा एल्केन्स, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और दूसरी हमारी होती है हमारी होती है एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले हम बात करते हैं इस डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड में हमें दिख रहा है यहाँ पर, डबल बॉन्ड डबल डबल बॉन्ड, अरे यार सॉरी सॉरी, मिस्टेक, डबल डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है कि जब हम सॉरी थोड़ा हो गया, यहाँ पर डबल कार्बन का कांग्रेस क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन का कांग्रेस ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड जुड़ गया, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसके इसको क्या कहते हैं, इस इसको क्या कहते हैं हम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पर एल्कीन्स की, ठीक है, इस एल्कीन्स की क्या जनरल फॉर्मूला है, मतलब कि कैसे हम पता कर पाएंगे ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एल्कीन्स है, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कैसे उसको पता करेंगे। तो इसकी जनरल फॉर्मूला से पता करेंगे, इसकी जनरल फॉर्मूला क्या आती है, CnH2n, ठीक
ठीक है, इसमें कुछ ये वाला चीज नहीं है, ठीक है, इसमें ये वाला चीज नहीं है हमारा, ठीक है। और इसकी जो सफिक्स क्या होती है, सफिक्स होती है इन, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो पर ये वाली एग्जाम्पल, ठीक है, इसके आयु नेमिंग क्या होगी, इथिन होगी, क्योंकि दो कार्बन के लिए क्या होती है, वाटर क्या होती है, ईथ होती है, और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के सफिक्स क्या था, ये इन था, तो ये बार इन हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, इथिन हो गया, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस हाइड्रोकार्बन की हमने दो जगह पर लिख ली, सेतु हाइड्रोकार्बन में एल्केन लिख लिया, अनसेतु में हमने एल्कीन्स लिखी, अब हम अनसेतु में एल्काइन लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो पर एल्काइन में हम पहले बात करते हैं इसके जनरल फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्मूला में देखिए, तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है ना, यहाँ पर CnH2n-2, ठीक है, ये इसकी होती है, ठीक है। और इसकी सफिक्स क्या होगी, वाई एन इन होगी, ठीक है, और इसकी सफिक्स क्या होगी, वाई इन होगी। तो इसमें थोड़ा सा हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पहले हम इस पैराग्राफ को थोड़ा पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है कि द एल्केन्स आर नेम इन द सेम वे दैट एल्केन, जैसे एल्केन की होती है ऐसे एल्काइन भी होगी, सफिक्स ए एन, सॉरी यार सफिक्स गलत है, सफिक्स में इसमें होगा आपका वाई एन ई एन ई, ठीक है। तो सफिक्स ए एन ई बाई द हायर मेंबर। अच्छा, अगर हम कार्बन पे ज्यादा बॉन्ड है, ठीक है, मतलब कि जो मतलब कि दो वाले कार्बन के लिए, ठीक है, अगर हमारे पास दो से अधिक कार्बन आते हो, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे नंबरिंग कर देंगे, ठीक है, ऐसे नंबरिंग जो ये क्या है ना, ऐसे नंबरिंग कर देंगे, मतलब 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर देंगे हम, ठीक है। फिर नंबरिंग कैसे, मतलब कैसे करेंगे कि देखिए, इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं हम, तो पर जो है हमारा देख सकते हो आप, एक हमारा क्या है, एक हमारा यहाँ पर CH3 मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, एक कार्बन मॉलिक्यूल है, फिर यहाँ पर CH मॉलिक्यूल है एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में ट्रिपल बॉन्ड है हमारा, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसमें नंबरिंग और नेमिंग, नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक ना, ये जो यहाँ पर जो ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे ना आपको, ये वाली ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इसकी नंबरिंग, इसको ना फर्स्ट प्रायोरिटी देने पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट नंबरिंग में पहले आना चाहिए, तो नंबरिंग में पहले कैसे, यहाँ से आएगी क्या, यहाँ से देख सकते हो 1 2 3 8 3, मतलब कि ये डबल ट्रिपल बॉन्ड कब आ रहा है, दो के बाद आ रहा है, यहाँ से देख सकते हो आप, मतलब यहाँ से तो दो में आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब इस तरीके में, ये इसमें 1 2 3, तो देख सकते 1 के बाद ही हमारा ये आ रहा है, तो मतलब कि नेमिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से करेंगे क्या आएगा हमारा, प्रोपीन आएगा, ठीक है, नॉट टू प्रोपीन, ट्रू प्रोपीन नहीं, क्यों नहीं आएगा, यहाँ से करेंगे तो डबल ट्रिपल बॉन्ड हमारा क्या है, 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है 1 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ठीक है, और इसे यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, एक ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी आयु किसी नेम होती है इथाइन, इसकी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है प्रोपाइन, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें कॉमन नेम की, वह लिखा है मिथाइल एसिटाइलिन या इसके एलाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, सारा एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूँ, सेम ऐसे एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को इस टेबल को थोड़ा याद रखिए, कॉपी में आप लिख लीजिएगा, ठीक है, और एक कॉमन नेम भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हमें मिलता है अपना थर्ड, या कहें तो सेकेंड वाला, ऐसे सेकेंड ही ले लो, सेकेंड वाला हमारा क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हमारा एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये जो हम बोल रहे हैं एल्काइल हैलाइड बोलेंगे अभी, ये जो आप देख रहे हैं एल्कोहल, आगे हमको एल्डिहाइड, तो ये सब वगैरह मिलेगा, ये सब हम क्लास 12 की जो आपकी ऑर्गेनिक है, ठीक है ना, उस पर बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब उसमें एक एक केवल यहाँ पर हमें क्या कर रहे, एक एक पैराग्राफ कर रहे हैं ना,
वहां पर एक एक टॉपिक है, मतलब एक एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये बात करते हैं, पहले हम करते थे हमारा एल्काइल हैलाइड्स में। एल्काइल हैलाइड्स क्या होती है, हमारी हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब कि हमारी होती है ना वो हेलो, इसके प्रीफिक्स होते हैं हेलो, ठीक है। हेलो क्या होती है, हेलोजन क्या होती है, हमारा 17 बार ग्रुप जो होती है ना, 17 बार, उसको ही कहते हैं हम हेलो ग्रुप। नहीं आपको पता होगा इसकी जनरल फॉर्मूला क्या होती है, CnH2n+1X, ठीक है। और ये आर एक्स भी कर सकते हो, आर क्या हमारा एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। आर एस एल्काइल, ये कैसे ऑप्टेन होती है इसको सर लिख लेते हैं हम, ठीक है। हाउ डियर ऑप्टेन, तो कह रहे आर एच मतलब कि एल्काइल ग्रुप और एक एच ग्रुप, इसमें कहता है एच जो है ना वो हट जाता है, हटने के बाद हमारा जो ये एक्स है, ये वो एक्स है, मतलब कि हमारा जो हेलो ग्रुप है वो आके ऐड होता है, ऐड होने के बाद हमारा बन जाता है हमारा आर एक्स। और एक्स हमारा क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीनों मतलब कि ये चार हो सकती है हमारी, ए और एक्स की जगह ए चारों में से कोई एक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है पर C2H6, ठीक है ना, ये क्या हमारा क्या है, एल्केन है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, क्योंकि कार्बन की देखो ये हम मुझे पता कैसे चला ये एल्कीन है, तो देख सकते हो कार्बन की दो मॉलिक्यूल, ठीक है, कार्बन दो, फिर H2N, तो उसको 2 × 2, 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया, +2 था, सॉरी +2, तो इसका आंसर क्या बन गया हमारा C2H2+4+2=6, तो हमारा ये क्या बन गया, हमारा ये एक एल्केन बन गया, ठीक है। या फिर एल्केन में हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे मतलब क्या हो जाएगा हमारा C2H5, और बाद में हमारा जो हेलोजन ग्रुप है वो ये ऐड हो जाएगा, मतलब कि C2H5Cl हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नेमिंग होता है एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। चलिए आगे, अच्छा एल्काइल हैलाइड में आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें जो हमारे अभी तक जो हम मतलब कि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे, मतलब एग्जाम्पल देख रहे थे, उसमें हम कह रहे 1, 2, 3 इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना वो एटम्स को, पर यहाँ पर एल्काइल हैलाइड में क्या करेंगे हम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हमारे किसको, आईयूपीएसी नेमिंग, मतलब कि कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग को। जैसे कि इस वाले एग्जांपल हम देखे, अगर हम तो इस वाले एग्जांपल में देखे तो CH3CH2CH2, ठीक है। तो यहाँ दिख रहे हमें कि डबल बॉन्ड और इसकी नेमिंग भी है अल्फा बीटा, अल्फा है बीटा है गामा है डेल्टा है ना। और अब आप देख सकते हो कि अल्फा में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसकी नाम क्या होगी, अल्फा ब्यूटेलिन। ब्यूट किस लिए, चार के लिए क्या थी, चार के लिए, साठ फोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम के लिए क्या था हमारा, ब्यूट था, वाटर ब्यूट, तो इसके लिए हमारा ब्यूटेन आ गया है। पर और हमारा डबल बॉन्ड कहाँ है, ब्यूट अल्फा में है, अल्फा पोजीशन में, देखिए ना अल्फा पोजीशन में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हमारा क्या है? ये क्या हो गया, अल्फा ब्यूटेलिन, ठीक है, ये हमारा बन गया अल्फा ब्यूटेलिन, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए तो हम देख सकते हो कि हमारा बीटा पोजीशन में हमारा डबल बॉन्ड है, इसलिए हम क्या होगा, बीटा ब्यूटिलीन, ठीक है। इस चीज को याद रखिए आप, किसमें, इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एल्कोहल के बारे में, ठीक है। तो इस चीज को अब लिखना है, सोचिए लिख लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं एल्कोहल के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल में आपकी जनरल फॉर्मूला उसकी होती है CnH2n+2, सॉरी +1, ठीक है ना, CnH2n+1, ठीक है। और इसकी फंक्शनल ग्रुप होती है OH, इसकी फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, OH होती है, और इसकी सफिक्स क्या होती है, ओल होती है, ठीक है, ओल। और यहाँ पर याद रखिएगा, एल्कोहल का हमारा आता है ओल और एल्डिहाइड का हमारा आता है ए अल अल, ठीक है, इसको याद रखिएगा, भूलना मत, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों, इस दोनों चीजों में आपको, ठीक है। अगर हम ठीक है, और आप बात करते हैं एक चीज की, सब इसकी हम नेमिंग करेंगे, आईओबीसी नेमिंग करेंगे आईओबीसी के सिस्टम के मुताबिक, तो यहाँ पर देख सकते हो दो वावेल एक साथ आ रही है, एक फिर यहाँ पर देख सकते एल्केन की ई आपकी वावेल है और ओल की आपकी ओ वेवर फाइवेल है, ठीक है।
इस जैसे ऐसे केस आएंगे हमारे आईयूपीएसी नेमिंग में, तो यहाँ पर क्या करेगा, ई अपना स्नान अपना त्याग करेगा और वो बाहर निकल जाएगा, अपना जगह ई ओ को लेने देगा यहाँ पर, और ये बन गया, बन के आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बन के हमारा एल्केन में ई खत चला जाएगा, ई हट जाएगा माइनस ई प्लस ओ एल, तो यह बन गया क्या आएगा, एल्केनॉल बन के हमारा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इसकी कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर लिखे मैंने, CH3OH मिथेनॉल, काफी अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत लोग इसको देखे भी होंगे अपने आस पड़ोस में। ठीक है, उसके बाद हमारा इथेनॉल, इथेनॉल तो काफी हमारे दिल के करीब वाला यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम इथाइल एल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना, और यही इसको ही हम बहुत मतलब कि कभी कभी हमारा दुख गम भर जाता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस वाले चीज को, इस वाले चीज को हम क्या करते, थोड़ा सा हम ले लेते हैं, कभी कभी अपना दुख वो क्या करते हैं कम करने के लिए हम इस चीज को, इथाइल एल्कोहल को थोड़ा सा सेवन कर लेते हैं। लेकिन खराब बात नहीं करना चाहिए, तो लोग करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बार देखते हैं, हमारे कंपाउंड है CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम क्या, अगर देख सकते हो तीन आपकी क्या है कार्बन है, तो मैं मतलब कि प्रोप आएगा, देख सकते हो वन में हमारा सेकेंडरी सफिक्स है, मतलब सफिक्स कौन सा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल, अल्कोहल का सफिक्स क्या था, ओल था। अच्छा, तो नंबर वन पे है तो प्रोप वन ओल, ठीक है, इसकी नाम क्या होगी, प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल, इसमें थोड़ा मतलब कर दो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ए लूंगा, इस वाले में देख सकते हो आप CH3 CH2 होल टू CH2OH, इसका नाम क्या हो गया, एक दो तीन नहीं, यहाँ पर और है क्योंकि CH2 होल टू, ठीक है ना, तो देख सकते हो तीन ने चार हमारे क्या है, चार हाइड्रोजन, चार मतलब कार्बन मॉलिक्यूल है, एटम है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट वन ऑल। लेकिन यहाँ पर देखिए, तो मैंने अभी अभी आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया था रिप्रेजेंटेशन में, कि अगर हमारा कंपाउंड अगर हमारा सीधा आ गया, अच्छा नहीं बताएगा इस बार से लेक्चर नहीं होगा, इस बार से नहीं होगा, बताएगा नहीं बताएगा, जरूर बताएगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर हमारा कंपाउंड अगर सीधा होता है तो इसको कहते हैं एन प्रोपेनॉल, अगर हमारा सेकेंड में से कंपाउंड में से सेकेंड में से हमारा कुछ ब्रांचिंग आ रहा है तो इसको कहते हैं आइसो कहते हैं। अगर हमारा ठीक है ना, अगर हमारा कंपाउंड के सारों वैलेंसी अगर देख, सारों वैलेंसी में ऐसे 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 में आपका आ रहा है तो इसको कहते हैं न्यू। ठीक है सर, इस बारे की वीडियो के इस बारे में लास्ट में होगा, इस बल में लास्ट में, ठीक है, ठीक है, अभी हम नहीं करा हमने, इसके लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा एल्कोहल हो गया, और इसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पर गिवन है एक टेबल के माध्यम से, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं इथर के बारे में। चलिए बात करते हैं इथर के बारे में, इथर क्या है, इथर हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इस तरह के फॉर्म में रहता है, आर ओ आर डैश, ठीक है, इस तरह के फॉर्म में वो रहता है हमारे इथर, इसलिए हमारे यहाँ पर देख सकते हो एक बार दो तरह की चीज है, एक तो एक देख सकते हो आप, नीचे थोड़ा जूम करके जाता हूँ आपको, देख सकते हो यहाँ पर सी एम एच टू एम प्लस वन ओ हमारा क्या है, ओ फंक्शनल ग्रुप है इथर का। ठीक है, सी एन एच टू एन प्लस वन, ठीक है, ये हमारा आ गया है पर, तो इस तरह की इसकी जनरल फॉर्मूला होती है। ठीक है, क्या होता है, सी एम एच टू एम प्लस वन ओ सी एन एच टू एन प्लस वन, ठीक है, और ये पर एम और एन हमारा क्या है, इक्वल नहीं, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है तो हमारे ये इथर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इनको इक्वल होना अनिवार्य है। ठीक है, और इसकी प्रिफिक्स क्या होती है, एल्कोक्सी होती है प्रिफिक्स, ठीक है,
ई हमारा हो गया ईथर के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं और बात करते हैं एल्डिहाइड के बारे में, ठीक है। तो एल्डिहाइड काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको, क्योंकि इन द इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों के तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अगर हम बात करें इन जनरल, इसकी मतलब कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम ले लो, उसमें आपका एल्डिहाइड का एक क्वेश्चन मिलना फिक्स है, क्योंकि एल्डिहाइड में बहुत एल्डिहाइड की तो ये दोनों चीज है, ठीक है। एल्डिहाइड की तो थोड़ा बहुत फिनोल एल्कोहल मतलब उसमें से तीनों में से इन तीनों टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन मिलने का चांस 100% रहता है। कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम ले लो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लो, चाहे जेई ले लो, नीट ले लो, बोर्ड ले लो, एम्स ले लो, जिपमार ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, हर वेबजी ले लो, कोई भी एग्जाम बीच पिलानी ले लो, कुछ भी एग्जाम ले लो, आप में इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आने का चांस बहुत रहता है एल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो इसलिए इस चीज की जनरल मतलब ये सब क्या है अभी क्या कर रहे हैं, बहुत बेसिक कर रहे हैं, और इस चीज को भी आपको याद रखनी है। बेसिस बेस से ही आपकी हायर लेवल की स्टडी परफेक्ट होती है, बेस परफेक्ट है तभी आपका हायर लेवल की स्टडी, हायर लेवल की नॉलेज या मतलब आगे चलते हम जो पढ़ेंगे वो चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है। बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ये सब कर रहे ना अभी जनरल फॉर्मूला ये सब वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सफिस याद रखनी है आपकी, इसकी फंक्शनल ग्रुप क्या होती है इसको याद रखना है, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है तभी आप इसमें क्या माहिर जो होते ना कोई भी क्वेश्चन है मैं कर ही दूंगा उस वाले चीज़ के, मतलब कि उस वाले कॉन्फिडेंस को आप गेन कर पाएंगे कब, जब आपके पास इसकी बेस अच्छी होगी इस टॉपिक की, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक आपकी ऐसे शुरू नहीं होता कि हवा में हम मैकेनिज्म करें ये रिएक्शन याद करें, ऐसा नहीं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आपको बेस से शुरू करना है, ठीक है। आपको मतलब कि अगर आपके पास बेस अच्छा है तभी ऑर्गेनिक में मास्टरी कर पाएंगे, ठीक है ना। मतलब कि अच्छी खासी नॉलेज आपको ऑर्गेनिक में तभी आएगा जब आप क्या करेंगे, बेस अच्छा हुआ आपका, ठीक है। चलिए पत्थर से लिख सको मतलब कि मोटिवेशन ले लो या कुछ भी ऐसे मैंने बोल दिया, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं एलडीएच की, एलडीएच की जनरल फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है। एक से ना अगर आगे जाए तो यहाँ पर भी हम एल्कोहल में देख सकते थे सेम फॉर्मूला है CnH2n+1, और यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है HN2n+, ठीक है। तो सेम सेम दिख रहे हैं ना, वो सेम आ रहे हैं, ये सब सेम क्यों, क्योंकि दे आर कार्बोनिल कंपाउंड, ये सब क्या कार्बोनिल कंपाउंड है, इसलिए सेम जनरल फॉर्मूला को बिलोंग करते हैं। अगर हमारा ये बात करते हैं एन की वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये हमारा क्या बनेगा, HCHO मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब कि आईबीसी नेम इसका मिथेनल होता है और इसकी कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड, आपने नाम जरूर सुना होगा फॉर्मेल्डिहाइड, हमारे जो चीजें को प्रिजर्व कर रहते हैं मतलब कि छरे ना, इसलिए हम मतलब कि वो वेस्ट ना हो जाए, मतलब कि डिकम्पोज ना हो जाए, इसलिए हम उसमें फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर देते हैं। आप जबकि भी आप बायोलॉजी लैब में जाएंगे तो आप कुछ वहां पर ऑर्गेनिज्म आपको क्या करेंगे, एक मतलब कि बक्स नहीं कहूँगा, मतलब कि पॉट में वो डिप करके रहते हैं और मतलब कि एनिमल्स ये सब उसमें रहते हैं, और उसमें क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड रहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या काम करते हैं आपकी, वो उसको डिकम्पोज होने में मतलब कि नहीं होने देते, डिकम्पोज होने में आपको रोक देती है, ठीक है। डिकम्पोज नहीं होते ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ये तो थोड़ी सी जानकारी होगी फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर। हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स क्या होती है CHO, इसके बारे में हम डिस्कस कर लिया, और इसकी सफिस क्या होती है अल होती है, ठीक है। अल अल्कोहल की ओल होती है और सफिस इसकी अल होती है, ठीक है। इसमें इसमें भी सेम आपका भी ये ई और ए सामने है तो ई हमारा हट जाएगा और इसका अल्केनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज इम्पोर्टेंट है, ये वाली जो नोट है ना, ये वाली नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, क्योंकि इसमें लिखा है कि CHO को जो हमारा हमारा जो एल्डिहाइड का जो हमारा सफिक्स है वो हमारा मतलब कि
जो हमारा CHO है ना सफिक्स, वो हमारा हमेशा एल्डिहाइड कंपाउंड में हमेशा वो आपके टर्मिनल पोजीशन में ही रहेगा। मतलब कि इट इज ऑलवेज लाई इज ऑलवेज स्टे ऑन द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द IUPAC नेम। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये CH3CHO, इसका नाम क्या होता है, क्या होता है, इथेनल। इसमें तो क्योंकि ये तो स्मॉल एक ही सिंगल सिंगल वाले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बात करें इसमें 1 2 3, तो इसमें अगर हमारा क्या होगा, 1 प्रोपेन हो सकता था, क्योंकि 1 नंबर पे ही हमारा क्या था सफिक, मतलब कि हमारा क्या था फंक्शनल ग्रुप था, सफिक्स था ना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एलडीएल में ऐसा कुछ नहीं, एलडीएल में आपका ये लास्ट में आएगा, कोई नेमिंग के लिए मतलब कोई नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि 1 ब्यूटेनल 3 ब्यूटेनल 2 ब्यूटेनल ऐसा नहीं है, सीधा आपका आपका जैसे आएगा ब्यूटेनल ब्यूटेनल प्रोपेनल प्रोपेनल इथेनल इथेनल, कोई पर चक्कर नहीं है कि 1 ब्यूटेनल 2 ब्यूटेनल ऐसा लगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और इसको ही इसी नोट को यहाँ पर प्रूफ करके, मतलब कि उसी नोट को यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा समझा गया है आपको। CHO मिथेनल प्रोमेलिया कहता है CH3CHO इथेनल CH3CH2CHO, यहाँ पर आपका देख सकते हो 1 प्रोपेनल बन सकता है, लेकिन नहीं सीधा प्रोपेनल, कोई चक्कर नहीं है आपका एल्डिहाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ देते हैं, बात करते हैं कीटोन के बारे में, ठीक है। तो कीटोन में भी आप देख सकते हो जिन्हें फॉर्मूला एक बार, अगर कीटोन की जनरल फॉर्मूला देख सकते हो, अगर आप देख सकते हो कि CN, अच्छा यहाँ पर अच्छा कार्बन की ऐसी होगी ना RC, ये वाली स्ट्रक्चर होती है किसकी, हमारी कीटोन की। इसलिए इस वाले एल ये वाला एल्काइल हमारा डिफरेंट होता है, ये वाला एल्काइल हमारा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर CN CO CM इसे देखा है, इसलिए यहाँ पर CN और C2N CmH2n, मतलब कि देख सकते हैं ना, ये भी हमारा सेम फॉर्मूला है, सहजन फॉर्मूला देख सकते हो, क्यों ये भी हमारा एल्कोहल एल्डिहाइड की तरह क्या है, ये देखो CnH2n+1 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 सेम जनरल फॉर्मूला है, क्यों है, क्योंकि ये सब सारे हमारे कार्बन कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। और इसकी सफिक्स क्या होती है, ओन, नॉट वन, हाँ ओन, इसकी सफिक्स क्या होती है, ओन नॉट वन, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें नेमिंग की, तो नेमिंग कुछ इस ऐसे, ये सब इतना कोई खास नहीं है, इसमें यही बताया गया है आपको, ई और ओ सामने आ गया, तो इसलिए हमारा ये ई हट जाएगा हमारा, और ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। इसको बताया गया है टेबल में, मार्क करते हैं एग्जाम्पल में CH3, ये हमारा क्या गया फंक्शन है, ग्रुप आ गया CO और CH3, तो इसका नाम क्या होगा, Prop1, ठीक है। C2H5 हमारा मतलब क्या है, दो कार्बन है, मतलब ई दो है फिर दो है, मतलब चार हो गए, एक कार्बन फंक्शन है, दूसरा कार्बन हमारे ऐड होता है, और आईबीसी नेमिंग में तो हमारा क्या नाम हो गया इसका, यहाँ पर दो मतलब कि चार, फिर यहाँ पर एक मतलब कि पांच मतलब पेंट, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ इसकी पेंट, अच्छा हमारा ये कार्बन ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, एक हमारा यहाँ पर, फिर से हमारा कार्बन CS, यहाँ पर हमारा CST हो था, क्योंकि और इसको हम C1H2 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 मतलब थ्री, मतलब कि Pentreon हमारा इसका IUPAC नेम ही होगा। इस वाले क्वेश्चन का खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, देखिए सही हो रहा है आपका गलत हो रहा है आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, हमारा जो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि, तो हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। और नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन्स, यहाँ पर हमारा यही दो लास्ट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसकी जनरल फॉर्मूला सेम आपकी, ये भी हमारी क्या है कार्बोनिल कंपाउंड है, इसलिए इसकी जनरल फॉर्मूला क्या है हमारी, CnCnH2n+1, ठीक है। उसकी सफिक्स क्या होती है, वही जैसे ये फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये सेम आ रहा है क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड ये भी
ये भी हमारा क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसलिए हमारे इसकी जनरल फॉर्मूला क्या सेम हो रही है। इसमें भी अभी सेम है यार, मतलब कि यार वही एल डी आई चक्कर इसमें भी है कि इसकी इसमें भी कोई नंबर ही नहीं होगा, वन वन प्रोपेनिकोथिन वन ब्यूटेनिक ऐसे नहीं, सीधा आपका वीक मतलब कि हमारा जो सफिक्स है वो लास्ट में लगेगा, टर्मिनल पोजिशन में लगेगा। जैसे ये वाले सी एस टी सी एस टू सी एस टू सी डबल बोन मतलब कि सी सी डबल सी डबल बोन सी ओ एच, मतलब कि अगर देखिए तो ये वाला हमारा क्या है वन ब्यूटेनिक ऐसी होता सही था पर ये नहीं है, एक क्या सीधा ब्यूटेनिक ऐसी, ठीक है। इसमें भी कोई आपका चक्कर नहीं है वो वाला, ठीक है। ई आपका मतलब ई, और यहाँ पर ई एम का क्या हो जाए, ई आपका वो कैंसिल हो जाएगा, सामने सामने आ रही है ना हवेल। इससे एमाइंस की बात करते हैं नेक्स्ट, और एमाइंस क्या हमारा क्या होता है, एमाइंस भी हमारे क्या है कार्बोनिल कंपाउंड ही है, इसकी भी जनरल फॉर्मूला सेम ही है सी एन एच टू एन प्लस वन, और इसकी सफिक्स होती है एमाइन, ठीक है। और इसमें कोई इतना चक्कर नहीं है आपका, सीधा इसका नाम एल्काइल एमाइन होती है, इसमें भी कोई नंबर इन मतलब कि वन एमाइन वन प्रोपेन वन एमाइन ऐसा कुछ नहीं है, सीधा आपका नेमिंग होगा। देखा देख सकते हो सी एस थ्री एन एच टू मिथेनामाइन सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एच टू एन एच टू मतलब कि इथेनामाइन सी एस थ्री सी एच टू सी एस टू एन एच टू प्रोपेनामाइन, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली एमाइंस का ऐसी नेमिंग होती है। अभी तक मैंने जो बताया इसमें कोई समझने वाली बात थी नहीं, आपको इसको वीडियो देखना है, कॉपी में देखना है जो बातें मैंने बोला है, इसको इम्पोर्टेंटली आपको एक अच्छी तरह से लिखना है और एक बार रीडिंग मारना है, खत्म हो गया था, खत्म हो गया, कोई यहाँ पर आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम यहाँ पर हमारा क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन मतलब कि क्लास है डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो यहाँ पर खत्म होता है हमारा। और आगे बढ़ते हम चलते हैं हमारे जो एक चीज मैंने बता रहा था ना अभी ए वाली कि हमारे एन ब्यूटेन ऐसे मैं बता रहा था ना पहले, तो मैंने बोला कि बाद में डिस्कस करूंगा कि अभी हमने नहीं पढ़ा था, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे थे बात करते कि हम एन कब लगाएंगे, एन मतलब नॉर्मल, ठीक है। एन मतलब हमारे क्या होता है नॉर्मल होता है, जब भी हमारा कंपाउंड सीधा लगे जैसे सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू मतलब कोई ब्रांचिंग ना हो, फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस चेन विथ नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं एन जो आपका वर्ड हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक दो तीन चार चार वो ये बस चार कार्बन है तो एन ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप वन टू थ्री फोर फाइव हमारा कार्बन आइटम है, तो इसलिए क्या फाइव पेंटेन, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करें आइसो की, आइसो में क्या होता है प्रीफिक्स आइसो कब लगाते हैं हम, अगर हमारा पहले से ही लास्ट में पहले से ही मतलब ए वन है फिर ये टू है फिर हमारे थ्री, अगर हमें ए वन है ए वन टू है तो यहां से वन टू थ्री पहले से दूसरे में आपका अगर ब्रांचिंग आ रहा है, ये देख सकते ब्रांचिंग आ रहा है हमारा, तो इस ऐसे केस में हम क्या करेंगे इसको आइसो कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे आइसो कहेंगे, देखिए इसमें सी एस थ्री सी एच सी एच टू सी एस थ्री, देखते यहाँ पर वन से दूसरे में आपका एक ब्रांचिंग आ रहा है तो इसका नाम क्या होगा आइसो पेंटिंग की वन टू एक दो तीन चार और ये पांच हमारा कार्बन आइटम है इसलिए उसका नाम क्या होगा पेंटिंग, तो यहाँ पर वन सी एस वन फिर से यहाँ पर देख सकते वन टू थ्री फोर फाइव फिर यहाँ पर एक सिक्स, यहाँ पर देख सकते वन पहले से दूसरे में ऐसे दूसरे में हमका एक बंद